नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में हम बात करते हैं वर्ग समीकरण में यदि मूलों के योग और गुणन ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हमें मूल ज्ञात हो या मूलों के योग ज्ञात हो और उनके गुणन ज्ञात हो तो हम वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए दो विधियां हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक सूत्र विधि के विषय में बताऊंगा और सूत्र की उत्पत्ति करके हम देखते हैं कि ये सूत्र हमें कैसे मिलता है। यदि हमें मूलों के योग और गुणन ज्ञात हों, हमें जो सूत्र प्राप्त होता है x का वर्ग धन मूलों के योग गुणित x धन मूलों का गुणन बराबर शून्य। इस प्रकार से हम ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। मूलों के योग को हम यहाँ लिख देंगे, मूलों के गुणन को यहाँ लिख देंगे और इस प्रकार से हमें वह समीकरण प्राप्त हो जाएगा। या उसे दूसरे शब्दों में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। प्लस एल्फा अपन एक रूट मानते हैं और बीटा दूसरा रूट मानते हैं। सर्वप्रथम हम इस सूत्र की उत्पत्ति देखेंगे। चलिए, हमारे पास जो वर्ग समीकरण है सर्वप्रथम हम उसको लिखेंगे। जो वर्ग समीकरण हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। सर्वप्रथम हमें जो x की अधिकतम घात यहाँ दो है इसके गुणांक को यहाँ से विस्थापित करना है, हटाना है और इसके लिए हमें इस समीकरण को a के द्वारा भाग देना होगा। तो समीकरण को ए से भाग देने पर तो देखिए मित्रों ए एक्स स्क्वायर बटे ए धन बी एक्स बटे ए धन सी बटे ए बराबर शून्य बटे ए। तो आप यहां पाएंगे ए और ए आपस में कट जाते हैं और इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त होता है अब एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स धन सी बटे ए बराबर शून्य, ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। यदि हम दोनों तरफ ऋण चिन्ह का गुणा करें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बटे ए। तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बी बटे ए के। तो यहाँ बी बटे ए के स्थान पर हम माइनस अल्फा प्लस बीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोनों मूलों के गुणन की तो हम जानते हैं ये c बटे a के बराबर होता था। तो यहाँ c बटे a के स्थान पर हम अल्फा इंटू बीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये जो समीकरण प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू शून्य। तो देखिए मित्रों, हमने ये समीकरण ज्ञात किया जहाँ यदि हमें दोनों मूल दिए गए हों या मूलों के योग और उनके गुणन दिए हों तो हम इस समीकरण में ये मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस आधार पर एक प्रश्न हल करके देखते हैं। मान लीजिए हमें दो मूल दिए हैं, एक मूल x बराबर ऋण एक है और दूसरा मूल x बराबर तीन बटे दो है। हमें इसके द्वारा ये समीकरण का निर्माण करना है। तो हम मान लें कि जो अल्फा है ये अपन अल्फा मान लें और इसको अपन बीटा मान लेते हैं। इस समीकरण में हम यदि मान रखें इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस थ्री बाई टू
इंटू एक्स प्लस माइनस वन इंटू थ्री बाई टू इज इक्वल टू शून्य। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हम इसको हल करते हैं तो ऋण दो धन तीन बटे दो एक्स ऋण तीन बटे दो बराबर शून्य। सो एक्स स्क्वायर ऋण एक बटे दो एक्स ऋण तीन बटे दो एक्स दो इज इक्वल टू जीरो बराबर हो गया शून्य के। अब हम इसको और हल करते हैं, यदि यहाँ एक है तो हम दो का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस तीन बटे दो उभयनिष्ठ आ जाएगा और दो का हम तिरक गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होगा ये वर्ग समीकरण बन गया एक्स ऋण तीन बराबर शून्य। एक तो ये विधि हुई कि यदि आपको मूल दिए हों या मूलों के योग दिए हों उनके गुणन दिए हैं तो आप इस सूत्र में रख के ये ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि हम देखते हैं जो कि गुणनखंड विधि के आधार पर आधारित है। तो देखें हम, क्योंकि हमारे पास जो एक मूल है एक्स बराबर ऋण एक और दूसरा जो मूल है वो एक्स बराबर तीन बटे दो। यदि हम इसको देखें कि x धन एक बराबर शून्य और x ऋण तीन बटे दो बराबर शून्य, यदि हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूंगा, इस दो का हम तिर्यक गुणा यहां कर देते हैं सो दो एक्स बराबर तीन सो दो एक्स ऋण तीन बराबर शून्य, ये समीकरण हमें दो प्राप्त हुए। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा क्योंकि शून्य शून्य से गुणा होकर शून्य ही देगा। तो इस प्रकार से एक व दो का गुणा करने पर दोनों गुणनखंड को हम गुणा करेंगे एक धन एक और दो एक्स ऋण तीन बराबर शून्य। अब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो एक्स का गुणा कर रहे हैं हम दो एक्स ऋण तीन से, पर धन एक का गुणा कर रहे हैं दो एक्स ऋण तीन से बराबर शून्य। एक्स गुणित टू एक्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स गुणित ऋण तीन ऋण तीन एक्स, धन एक गुणित दो एक्स ऋण तीन बराबर शून्य। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ऋण तीन एक्स धन दो एक्स ऋण एक्स बचा और ऋण तीन बराबर शून्य। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। यदि हमें दोनों मूल दिए हों तो हम इसको इस गुणनखंड विधि के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा यदि हमें मूलों के योग और उनके गुणन दिए हों या मूल दिए हों तो हम इस प्रकार से या तो इस सूत्र के द्वारा, यदि मूल दिए हों तो हम उनको गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगले सत्र में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के हल देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाएंगे वर्ग समीकरण में। धन्यवाद।